तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। और थोड़ा अलग सेटअप आज हमने ट्राई किया है, कोई रख रखाव करके नहीं, काइंड ऑफ अ ब्लॉगिंग थिंग। और आज जो हमारे पास गाड़ी है वो है, आप देख ही सकते हो, ह्युंडई वेन्यू। तो बाई चांस अगर हम उस तरफ देख रहे हो तो इस तरह स्क्रीन है तो उस पर फोकस कर रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लीजिएगा, थोड़ा शोर है। तो आज जो है कि आज इसी गाड़ी को कवर करेंगे हम, और प्रॉपर जो एक वॉक अराउंड, टेस्ट ड्राइव, सब चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आत्मन भाई भी अपने साथ हैं। आत्मन भाई हेलो कर दो। हेलो। द टेक विनी चैनल का नाम है और गाड़ी के ओनर आदित्य भाई, हेलो कर दो भाई। तो आदित्य भाई की ये वेन्यू है, 1.2 लीटर पेट्रोल में आती है, टर्बोचार्ज्ड एस वेरिएंट है, और बेस मॉडल जिसे हम कहते हैं वो है ये। और कुछ ऐसा जो है कि फ्रंट में अगर आप देखोगे तो वेन्यू देखने को आपको मिल जाती है। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर जितनी भी चीज़ें हैं सब कवर करके आपको हम बताएंगे। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा होगा तो वापस रोशनी की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब चीज़ आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो एक इनिशियल लुक होता है गाड़ी का, आप देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है वेन्यू का। और वाइट कलर जो है गाड़ी का है, पर्ल वाइट से आप नहीं कह सकते, ये कह सकते हो काइंड ऑफ अ प्रॉपर जो मटेरियल होता है जिसे हम सिंपली कह सकते हैं ग्लॉस वाला, वो वाला वाइट है। और जो फ्रंट में एक लुक है, क्योंकि ये एस मॉडल है, बेस मॉडल के एक ऊपर वाली है, तो जो फ्रंट लुक आपको देखने को मिलता है वो काफ़ी चेंज मिलता है टॉप ऑफ द लाइन से। तो सबसे पहले जो है कि हम बात कर लेते हैं हेडलाइट्स की। तो हेडलाइट यूनिट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपको नीचे की तरफ जो ये मिल रही है, ये आपकी प्योरली हेलोजन बेस्ड है, रिफ्लेक्टर बेस्ड, और किसी तरह का DRL आपको नहीं मिलता है यहाँ पर। ऊपर जो है कि आपको यहाँ पर LED की जगह आई थिंक ये हेलोजन इंडिकेटर्स हैं। टॉप ऑफ द लाइन में भी आपको ये हेलोजन ही मिलता है और इसमें भी मिलता है। और इस रिव्यू को आप इस पॉइंट से देखिएगा कि कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहती है ये गाड़ी इस मॉडल में, इस प्राइस पॉइंट पे और इस इंजन के साथ। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू फॉर मनी वाला सेक्टर है, इसमें ये काइंड ऑफ उस सेंट्रिक वीडियो रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा जो ग्रिल है इसकी फ्रंट की उसकी। तो कुछ जो ह्युंडई का प्रॉपर डिज़ाइन लैंग्वेज है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रिल मिलती है। जो प्लस साइन में क्रोम फिनिश का यहाँ पर यूज़ किया गया है, बीच में आपको ह्युंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फॉक्स स्किड प्लेट वाली जो फिनिश होती है वो देने की कोशिश की गई है ह्युंडई के द्वारा। फॉग लैंप आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, आप आफ्टर मार्केट से इसे इंस्टॉल करा सकते हो। टोइंग हुक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। व्हील्स की हम बात करते हैं तो स्टॉक टायर्स पर चल रहा है अपोलो एलनैक 4G जो है कि टायर है। और टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 195/65 R 15 inches का आपको यहाँ पर स्टील रिम्स मिल जाते हैं विद जो आपके कह सकते हो व्हील कवर्स हैं। इंडिकेटर्स जो आपके साइड ORVM पे हैं उस पर नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर बॉडी फेंडर पे दिया गया है। और जो साइड ORVM से हैं ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल आपको नहीं मिलते हैं। तो खैर एडजस्टेबल होना ज़्यादा अच्छा है, फोल्डेबल तो खैर आप चला कर मतलब खोल कर ही चलाओगे। हैंडल बार की बात करें तो कुछ ऐसा है और खोलने पर जो है कि पूरा यूनिट ऐसे बाहर आता है, की इंसर्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। साइड में पूरी बॉडी ग्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, पूरी जो बॉडी है गाड़ी की, पूरा फ्रंट से लेके बैक तक पूरी बॉडी ग्लाइडिंग कैरी की गई है ब्लैक फिनिश में। हालांकि आई थिंक ये प्लास्टिक उतना अच्छा नहीं है क्वालिटी में, क्योंकि जो है फेडिंग वाला जो इशू है वो आ जाता है। और आगे जो है कि यहाँ पर आपको वेंट्स में मिल जाते हैं ताकि जो एरोडायनेमिक्स है प्रॉपरली मेनटेन रहे। किसी तरह का क्रोम फिनिश नहीं दिया गया है। ए पिलर बी पिलर आपको ब्लैक डॉट मिलता है, ए पिलर इवन जो है ग्लॉसी फिनिश में है, बी पिलर मैट फिनिश में है, सी पिलर बॉडी कलर्ड और एक थोड़ा सा यहाँ पर मैट का जो है कि फिनिश यूज़ दिया गया है। पीछे आते हैं तो जो इसकी टेल लैम्प्स हैं,
ये प्रॉपरली जो है कि आपकी LED बेस्ड नहीं है, हैलोजन बेस्ड है। टॉप ऑफ द लाइन में आपको पूरी यूनिट अलग मिलती है, इसमें सिर्फ ये वाला यूनिट ग्लो करता है और ये वाला रिफ्लेक्टर है। टॉप ऑफ द लाइन में होल यूनिट आपको LED मिलती है और हैलोजन इंडिकेटर्स हैं। नीचे जो है किस तरह फॉग लैंप नहीं है और उसकी जगह जो है कि यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है देखने को। और पीछे से अगर हम लुक की बात करें तो कुछ जो है कि ऐसा आपको यहाँ पर वेन्यू का लुक देखने को मिलता है जो कि S मॉडल का है। और जो रियर विंडशील्ड है यहाँ पर आपको डिफॉगर तो मिल जाता है लेकिन वाइपर जो है कि आपको देखने को नहीं मिलता है। Hyundai का लोगो, वेन्यू का जो है कि बोर्ड यहाँ पर लोगो दिया गया है, टर्बो की बैजिंग, नीचे आपको एक फॉक्स स्क्रिप्ट प्लेट दिया गया है और पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर चार मिल जाएंगे। एंटेना और रूफ रेल्स जो कि फंक्शनिंग नहीं है। और बूट अगर हम खोलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट टेल गेट के साथ ही आता है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आंधी वाला माहौल होते हुए। बूट कैरिंग कैपेसिटी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी देखने को, अच्छा खासा डिसेंट सा स्पेस है। जो लिड है इसे उठाने पर आपको यहाँ पर स्टील रिम देखने को मिल जाता है और जो इसकी लोडिंग वाली है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नीचे दिया गया तो सामान को उठाने निकाल के रखने में थोड़ा सा जो है कि आपको इशू दे सकता है। बाय द वे सच जो कैपेसिटी है वो काफ़ी शानदार है, बड़े बड़े आपके कई बैग्स आ जाएंगे। पीछे की जो सीट है वो 60-40 स्पीड के साथ नहीं आती है, डायरेक्ट बेंच फोल्डिंग सीट्स है। अब चलते हैं थोड़ा सा इंजन बे की तरफ और इंजन बे आपको मैं दिखाता हूँ। 1.2 लीटर का टर्बो GTI पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि आई थिंक 3 सिलेंडर है। ये 1.2 लीटर का नहीं, 1 लीटर का टर्बो GTI टर्बो चार्ज इंजन है जो कि 3 सिलेंडर है, 1000 cc का यूनिट आता है। बैटरी इधर है और इंजन लेआउट जो है कि बड़ा बेसिक सा है, क्लीन सा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इंसुलेशन एज सच आपको ऊपर नहीं मिलती है क्योंकि इंजन काफ़ी रिफाइंड है इन द सेंस देखा जाए तो। और ऐसा ही था कुछ इंजन में, तो खैर इंजन में तो ऐसा ही था, बाकी चीज़ें जितनी भी हैं इंटीरियर की आपको देखने को मिलेंगी अब। सो, अंदर चलते हैं तो डोर्स आप देख सकते हो कुछ ऐसा वाइड खुलता है अच्छा खासा। इस तरफ जो है कि आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे जो पावर विंडोज रिलेटेड हैं और ओआरएम से रिलेटेड है, इसे हम बंद कर देते हैं वरना ये नॉइस करता रहेगा। ग्रैब हैंडल मिल जाता है किस तरह की, यहाँ पर फैब्रिक फिनिश नहीं दिया गया है। नीचे आपको 1 लीटर के लिए बॉटल होल्डर मिल जाती है, थोड़ा सा स्पेस रख सकते हो। ट्विटर्स के लिए यहाँ पर स्पेस दी गई है और जो हैंडल है ये आपका सिल्वर फिनिश में है, ऐसा कोई क्रोम फिनिश नहीं है। नीचे आपको कॉम्पोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है इस तरफ की, तो जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फ्यूल लिड खुलने का ऑप्शन दिया गया है, जो नीचे का एरिया काफ़ी अच्छा है। डेड पेडल मिलता है, 3 पेडल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फ्यूज़ बॉक्स इधर है और बोनेट खुलने का यहाँ पर लीवर दिया गया है। सीट जो है वो 4-way एडजस्टेबल है और सीट का जो फिनिश है ये आप आफ्टर मार्केट वाला देख रहे हो, लेकिन जो इसकी बकेट फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है। कम्फर्ट लेवल काफ़ी शानदार है गाड़ी का। तो गाड़ी हम बेसिकली अब बंद कर लेते हैं और जो थर्ड है गाड़ी का वो अच्छा है सच देखा जाए तो। बात करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ ऐसा जो है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। RPM गेज जिस तरफ है, टैकोमीटर, बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाती है, यहाँ पर एक MID मिल जाती है जिसे आप ब्राउज़ कर सकते हो, यहाँ पर एक बटन दिया है उसके थ्रू, तो ज़रा हम इसे ब्राउज़ करके देखते हैं। तो दबाने पर ये आपका आई थिंक ट्रिप बी है, ये आपका रेंज है और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 11.7 किलोमीटर MID के हिसाब से। आई थिंक ये आपका एवरेज स्पीड या रेंज कुछ तो होगा, ये आपका आई थिंक टाइम बता रहा है और यही सब चीज़ें जो है कि है। टोटल किलोमीटर्स 5000 ही चल चुकी है। इधर आपको हीट और इंजन टेम्परेचर गीज और फ्यूल गीज देखने को मिल जाएगा, आउटसाइड टेम्परेचर भी ये शो करता है। इस तरफ आपको काफ़ी तरह के टिल्टेड लाइट्स जो है कि देखने को मिल जाएंगे। अब रियल लाइफ में एक इशू जो मुझे लगता है इस गाड़ी के साथ ये है कि अगर आप बैठ कर गाड़ी चलाते हो ना तो ये जो एरिया है जो स्पीडोमीटर वाला है बीच वाला, ये ऐसे बहुत ज़्यादा धसा सा लगता है अंदर की तरफ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो है कि अजीब फील होगी। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी अद्भुत तरीके से पड़ रही है बनारस में। सेंटर कंसोल में आते हैं, 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 4 AC वेंट्स दिए गए हैं जिससे आप एयर सर्कुलेशन में कंट्रोल कर सकते हो और जो साउंड क्वालिटी है वो डिसेंट है, बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्राइस पॉइंट, एज़ कम्पेयर टू 2D का म्यूजिक सिस्टम जो साउंड क्वालिटी है अच्छी है। OR जो आपका IRVM है आप इसे इंटरनली भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो, आपको जो करना है आपको ऐसा ऊपर नीचे करके ही करना पड़ेगा। सो मैनुअली भी आप इसे इंटरनली एडजस्ट नहीं कर सकते हो। इस तरफ अगर हम आएंगे तो टिकट होल्डर के साथ सनवाइज़र है, इस तरफ वारंटी मिरर के साथ सनवाइज़र है जो कि अच्छा खासा एरिया छोड़ देता है, अब इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते तो साइड के लिए तो खैर ये उतना यूजेबल नहीं रहेगा। प्लास्टिक क्वालिटी की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी सब में हार्ड जगह यूज़ किया गया है, लेकिन ऐसे जो फिट एंड फिनिशिंग की बात करते हैं तो काफ़ी शानदार फिट एंड फिनिश है। थोड़ा सा सॉफ्ट टच खैर जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ऐसे कोई ऑफर नहीं करता है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू सेगमेंट बहुत ही अच्छी है।
हेड लैम्प्स नहीं, स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील जो है कि इसका कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी चंकी सा अच्छा सा है और बहुत लाइट है। आप ये देख सकते हो मैं कानी उंगली से इसे घुमा रहा हूँ, कानी उंगली से ये जो है कि ये घूम जाती है, इतना लाइट है ये। और Hyundai का लोगो, एयरबैग्स हैं, ABS EBD आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, दो एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, इंफोटेनमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स आपको इस साइड मिल जाएंगे, इधर जो है कि आपके वाइपर का स्टॉक है, इस तरफ जो है कि आपके हेडलाइट और इंडिकेटर का स्टॉक है। चाबी मैंने आपको नहीं दिखाई, तो चाबी जो है कि कुछ ऐसी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, तीन बटन्स के साथ और फ्लिप की है, और लॉक अनलॉक और होल्ड करने पर जो है कि गाड़ी बूट खुल लेगी अपना। गाड़ी हम फिर से ऑन कर लेते हैं। हेडलैम्प लेवर इधर फॉक्स स्केच हैं, सॉरी स्विचेस हैं, और ये टीटी आती रहती है इसका मन करता है तो। AC मैनुअल कंट्रोल है, लेकिन रियर डिफॉगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा टच है। नीचे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, हालांकि यहाँ पर एक बॉटल होल्डर टाइप तो कुछ नहीं है जो कि पीछे मिलेगा, मैं दिखाऊंगा। यहाँ आप अपने मोबाइल वॉलेट रख सकते हो। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है जो कि इल्यूमिनेटेड है, USB पोर्ट है जिससे आप अपने इंफोटेनमेंट से कंट्रोल कर सकते हो। इस तरफ जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हो गियर लीवर है जो कि 6 स्पीड है, काफ़ी शानदार है, और इसमें आपको यहाँ पर स्विच मिलता है जिससे रिवर्स गियर एंगेज होगा। क्रोम फिनिश नहीं है, लेकिन जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, आप कॉइन रख सकते हो। और जो आपका हैंड ब्रेक है ये जो है कि यहाँ पर आपको मैनुअल मिलता है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, और इस तरफ जो है कि मास्क हमने रखा है तो इसे हटा लेते हैं, कोरोना के टाइम का यही हमारा साथी है। दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं अच्छे खासे स्पेस के साथ, हैंडरेस्ट जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है अच्छे खासे स्पेस के साथ, और ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। इस एरिया में आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जहाँ पर मेरा और आत्मन भाई का मोबाइल रखा हुआ है, और नीचे जो है कि ग्लव बॉक्स है जो कि छोटे साइज का है, थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता। बाय द वे कूलिंग फंक्शन के साथ आता है तो बहुत अच्छी बात है। AC वेंट उधर भी है जिसके आप एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट में आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि सच स्लो रिलीज वाला नहीं, फिक्स्ड है। माइक यहाँ पर दिया गया है। म्यूज सिस्टम सुन लेते हैं, ज़रा बजाते हैं गाना, तो यहाँ पर आपको टच बेस्ड कंट्रोल मिलते हैं। सॉरी मतलब तो ज़्यादा नहीं सुनाएंगे वरना कॉपीराइट आने का इशू हो जाएगा, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और सॉरी टच बेस नहीं है, मेरी आदत हो गई है, मैं इसे टच कर देता हूँ बार बार। ब्लूटूथ ये तरह के सारे तरह आपको इसमें कंट्रोल मिल जाएंगे, ब्लूटूथ हुआ, USB हुआ, ऑक्स हुआ, आप इसे जो है कि इजीली कंट्रोल कर सकते हो। मेन्यू में चलते हैं तो अलग अलग तरह का यहाँ पर आपको डिस्प्ले, लैंग्वेज, स्कैन, साउंड सेटिंग्स में सब चीज़ें ऑप्शन मिल जाएंगी। साउंड सेटिंग में आप इक्वलाइजर, बास, स्पीड डिपेंडेंट, ऑटो वॉल्यूम और ये सब चीज़ें जो है कि सब देख सकते हो। तो कुछ ऐसा था ये इंफोटेनमेंट, खैर इसे आप प्रॉपर इंफोटेनमेंट नहीं कहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा है। साउंड सेटिंग्स में अगर हम देखते हैं, बास अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो आई थिंक ये रही इसका बास वास एडजस्ट करने के लिए। रेड FM पे ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो फ्री में जो है कि प्रमोशन हो रहा है तो क्या ही बोल सकते हैं। ऑफ करने पर यहाँ पर आपको टाइम और डेट और ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ ऐसा था वेन्यू का फ्रंट केबिन, जितने भी फीचर्स थे मैंने आपको सब बता ही दिया है। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, और ये जो ड्राइविंग सीट है मैं अपने पोस्चर के अकॉर्डिंग मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है। और वेन्यू में जनरली ये शिकायत ज़रूर से आती है कि जो कहीं ना कहीं थोड़ा रियर स्पेस कम पड़ता है, तो इधर थोड़ा हमारा सामान रखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो खैर उसे हम थोड़ा साइड कर देंगे। लेकिन इस तरफ अगर हम आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, पावर विंडो कंट्रोल, एक बॉटल होल्डर, कंपोनेंट्स, इस तरह के डोर्स हैं। थोड़ा सा जो है सामान को उधर हम कर लेते हैं और फिर बैठते हैं। डोर्स में काफ़ी अच्छा थर्ड है, और मेरे ऐसा बंदा अगर गाड़ी चला रहा है तो मेरे लेग रूम नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे ऐसा बंदा अगर गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए यहाँ पर जो है कि लेग रूम ऐसा उतना नहीं है। हेडरूम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी एक कैबिन लैंप आपको बीच में मिलती है जो कि हैलोजन बेस्ड है, और पूरे कैबिन में सिर्फ और सिर्फ एक यही लैंप मिलती है। पीछे एज सच 5 फुट या 6 फुट तक के बंदे इजिली आ जाएंगे। रियर AC वेंट भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा टच है, और इंडियन क्लाइमेट तो भाई साहब ये एक तरह से कह लो एकदम चांदी वाली चीज़ हो जाती है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से तो दिखाया जाए तो। नीचे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है जो कि आई थिंक इल्यूमिनेटेड है। तो कुछ ऐसा था Hyundai Venue का एक प्रॉपर जो वॉक अराउंड होता है, वो सब चीज़ें मैंने कवर कर दी, जो जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। हैंडरेस्ट आपको नहीं मिलता है, दो पीछे के जो ये रियर सीट के हैंडरेस्ट दिए हैं वो भी एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। फ्रंट में आपको दोनों एडजस्टेबल मिल जाते हैं। अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, खैर मेरी हाइट एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है तो एवरेज लोगों के लिए तो आई थिंक ये ठीक ही रहेगी। और इसका जो टेस्ट ड्राइव रिव्यू है अब हम उस पर चलते हैं, चलने में कैसी है, क्या परफॉर्मेंस है, बाकी सब चीज़ें हम उस टाइम पे बात करेंगे। बाय द वे फ्रंट केबिन अगर आप देखना चाहो यहाँ से तो जो है कि फ्रंट केबिन गाड़ी का
कुछ ऐसा है। तो चलते हैं फिर टेस्ट ड्राइव पे। नमस्कार दोस्तों, सो Hyundai Venue मॉडल आप देख ही सकते हो, पेट्रोल 1.2 लीटर के साथ आती है। टेस्ट ड्राइव की बात करते हैं हम अब, तो आपने वॉक अराउंड बाकी सब चीज़ें तो ऑलरेडी देख ही ली होगी। तो इनिशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी को हम ऑफ़ कर देते हैं ऑन पोजीशन पर के ला करके, एसी बिल्कुल ऑफ, और जो इनिशियल साउंड है इंजन की वो हम ज़रा सा देखते हैं, ट्रैफिक क्लियर हो ताकि आपको साउंड क्लियर सुनाई दे। सो स्टार्ट होते समय एज सच कोई बहुत नॉइज़ नहीं है, आइडल पे भी एज सच कोई नॉइज़ नहीं है इंजन से आती हुई, और क्लच की अगर हम बात करें तो इट्स काफ़ी कह सकते हो लाइट है, अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आई थिंक ये वेयर एंड टीयर की वजह से जो है कि थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है, वरना Hyundai क्लच जनरली लाइट होते ही हैं। स्टेयरिंग व्हील तो कुछ ज़्यादा ही मक्खन है, और जनरली देखा जाए तो Hyundai के स्टेयरिंग व्हील्स ऑलरेडी जो है कि इस तरह के मतलब बिल्कुल लाइट वेट होने के फेमस हैं इसीलिए। और अब हम चलते हैं फर्स्ट गियर में, और तो बिल्कुल जो सिटी वाला एक्सपीरियंस होता है उसको देखते हैं, और एयर कंडीशनिंग भी ऑफ कर ऑन कर लेते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम जो है कि हमारे बनारस में बिल्कुल एकदम अद्भुत वाला आ गया है। सो स्पीड ब्रेकर्स थे, छोटे मोटे बम्प्स थे, और क्लच का जो बाइटिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब जनरली अगर पहली बार किसी बंदे को आप दोगे तो गाड़ी उसे स्टॉल नहीं होगी, ऑटोमेटिक डोर लॉक्स। सो सस्पेंशन ठीक लग रहा है फिलहाल तो, अभी और बम्प्स आएंगे तो पता चलेगा। उस समय जब हमने एक्सपीरियंस किया तो एज सच बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं कर रही थी, स्टिफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बीच वाला जो होता है बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन कह सकते हो आप इसे। और जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी जो सेल्फ सेंट्रिक की जो शिकायत रहती है हमारे Hyundai's में, तो उसका भी ज़रा एक टेस्ट हो जाए यहाँ पर, क्योंकि एक शार्प टर्न है बिल्कुल, और ठीक है आ रहा है, सेल्फ सेंट्रिक भी है स्टीयरिंग व्हील इसका। लेकिन एक चीज़ जो एक्सपीरियंस किया थ्रॉटल देते ही, जैसे ही ये 1500-2000 RPM के आसपास जब जा रही है तो इसका इंजन थोड़ा सा वोकल ज़्यादा हो जा रहा है केबिन वाइज अगर हम देखें तो, क्योंकि आई थिंक ये सर्विस बहुत ज़्यादा, इसका सर्विस आई थिंक ये ड्यू है, तो उसकी वजह से एक हो सकता है। इनिशियल पंच 2000-2500 RPM के ऊपर जब जा रहा है तब आपको टॉर्क आउटपुट प्रॉपर मिल रहा है, यस 2500 RPM के बाद ये टॉर्क आउटपुट दे रही है, और आई थिंक मेन पावर डिलीवरी आपको उसको में 4000-4500 RPM के बाद ही मिलेगी। सो आप देख ही सकते हो एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो अगर हम बात करें ट्रैफिक वाइज इस गाड़ी को चलाने में ये कैसा फील अगर आपको देती है तो, एज सच जो एक थकाने वाला फील होता है ना, जैसे कि आप स्कॉर्पियो चला लो या फिर जो थोड़ी सी हैवी बाइक गाड़ियाँ होती हैं उन्हें चला लो, तो एज सच इसमें थकाने वाला कोई फील अभी तक तो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसका क्लच हार्ड है तो मे बी जो प्रेशर है मेरे पैर पे वो ज़्यादा लग रहा है, बट मे बी वो अदर वेन्यूज, आपके पास अगर कोई वेन्यू है तो आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके वाले गाड़ी में भी ये इशू है या नहीं। गियर्स बहुत ही ज़्यादा स्लिक शिफ्टिंग है, बहुत अच्छे इजिली, बहुत ज़्यादा इजिली जो है कि शिफ्ट हो जा रहे हैं, कोई इसमें मतलब इशू नहीं लग रहा है। और जो इसका थ्रो भी है वो भी काफ़ी शॉर्ट है। सो रेड लाइट पे रुकते हैं हम फिलहाल और फिर कंटिन्यू करते हैं कुछ देर बाद। सो इनिशियल पिकअप जरा देख लेते हैं गाड़ी का, रेव करेंगे 2500 RPM, और ये प्रॉपर बर्नआउट के साथ उठती है गाड़ी, और जो इनिशियल पंच है गाड़ी का अच्छा है, काफी शानदार है। 1750 RPM पे इसका टर्बो किकिंग करता है, और उसके बाद पावर डिलीवरी जानदार, शानदार, जबरदस्त। 2000 RPM एक्चुअली 2100 RPM और 100 की स्पीड बहुत इजीली कैच कर ली है सिक्स्थ गियर में, और जरा हम फिफ्थ में स्लॉट करते हैं या फोर्थ में स्लॉट करते हैं और थोड़ा सा एग्रेसिवली इसे खींच करके देखते हैं, तो 110-120 बहुत ईजिली कैच कर ले रही है, और एज सच इंजन नॉइज जो है केबिन में वो बहुत नहीं आ रही है। थोड़ा सा विंड नॉइज आ रही है ए पिलर से, खैर वो नेचर में है इतनी हाई स्पीड पे अगर आप चलोगे इस तरह की गाड़ी से। लेकिन अगर क्रूजिंग वाइज अगर हम बात करें तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया गया है, लेकिन जो क्रूज़ की बात करते हैं हम सिंपली कितनी स्पीड पे आप क्रूज़ कर रहे हो, तो 80-90-100 तक बहुत स्टेबल है। 100 पर थोड़ा सा विंड नॉइज़ ज़्यादा आती है, टायर नॉइज़ हल्की फुल्की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो ये आपको दिख रहा होगा ये बड़ा ही रिस्की सा रहता है, तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी मज़ा भी देता है।
और खैर वो सब अलग बातें हैं। ब्रेकिंग की हम बात करें तो जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है। कहीं खाली पैच अगर मिलेगा तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखा जाएगा, अभी तो नहीं। और BS6 नॉर्म्स के तहत 80 पे जाता ही आपको एक बीप मिलेगा, 120 के बाद जो है कि आपको लगातार बीप मिलती रहेंगी, जो कि थोड़ा सा अनॉइंग हो जाता है कभी कभी। ब्रेक्स इज थोड़ा सा ऐसे ना बाइटिंग पॉइंट मुझे जैसे अर्ली सा लगा हाईवे पे, सिटी में तो सच बहुत ज़्यादा ऐसे फील नहीं हो रहा था, लेकिन जो बाइटिंग पॉइंट है वो बहुत ही अर्ली आ जा रहा है। तो पैनिक में अगर आपने ज़्यादा ब्रेक की जगह मतलब एक्सेसिव झटके से ब्रेक दबाया तो काफ़ी जो है कि झटका मार के गाड़ी रुकने वाली है, ये तो है। तो थोड़ा सा उसमें जो है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। कॉर्नरिंग कर रहे हैं हम लगभग 80 की स्पीड के आसपास, तो जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ी अच्छी आ रही है। काफ़ी प्लांटेड और स्टिफ सस्पेंशन, मतलब प्रॉपरली जो है कि स्टेबिलिटी जो होती है वो प्रॉपरली आ चुकी है गाड़ी में, मतलब है एज सच। 90 पे आई थिंक ये रोड की वजह से होगा, जो टायर नॉइज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो खैर उसका जो है कि एक सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, आप अच्छा खासा पिरेली या ब्रिजस्टोन के टायर डलवा सकते हो, तो बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है रोड नॉइज में। खैर अब बात आती है इस गाड़ी को हम किस चीज़ के लिए बेस्ट माने, बेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो है ये एक, अगर मैं प्रॉपर वे में कहूँ तो एक सिटी कार, कॉम्पैक्ट SUV सिटी वे में अगर आप चलाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिटी में अगर आप चलाओगे तो, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, एक डिसेंट अमाउंट का इंजन है, अच्छी खासी पावर डिलीवरी आपको मिल जाती है, अच्छी खासी टॉर्क फिगर्स मिल जाते हैं। माइलेज ऐसा थोड़ा कम मिलता है क्योंकि 11-12 का MID में शो कर रहा है, 11.3 का अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये 13-14 का आपको आई थिंक ये दे देगी अगर आप थोड़ा सा आराम से चला रहे होगे तो, क्योंकि काफ़ी देर गाड़ी खड़ी भी थी और काफ़ी अग्रेसिवली हम ड्राइव भी कर रहे हैं तो उसके चलते जो है माइलेज कम है। लेन चेंज करने में जो कनेक्शन होता है Hyundai की कार्स में जिसे हम कहते हैं नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हाई स्पीड पर जो है कनेक्शन फील हो रहा है और प्रॉपर गाड़ी नाच रही है अगर मजे का आप दे रहे हो, मतलब थोड़ा भी अगर आप स्टीयरिंग हिला रहे हो तो जो फीडबैक है स्टीयरिंग से वो काफ़ी अच्छा रहा एज कम्पेयर टू अदर Hyundai कार्स, या एज कम्पेयर टू ब्रीज़ा अगर मैं कहूँ तो ब्रीज़ा से अच्छा आपको इसमें कहीं ना कहीं जो है कि मिल रहा है फीडबैक स्टीयरिंग से। और अपने सामने i20 और यहाँ पर जो है गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी टेस्ट हो जाएगा, तो यू टर्न हमने ले लिया है और टर्निंग रेडियस डिसेंट है, स्टीयरिंग व्हील अभी भी लाइट है। और स्टीयरिंग व्हील जो Hyundai's में होता है कि हाई स्पीड पे वेट नहीं पकड़ता है, तो इसमें ये पकड़ रहा है प्रॉपर वेट आपको अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं ये कहूँगा कि अच्छा वेट आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट हाई स्पीड में नहीं रह रहा है। AC परफॉर्मेंस शानदार ज़बरदस्त है, एक पे चल रहा है और अच्छी खासी धूप हो चुकी है 31 डिग्री सेल्सियस, और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर देख दिया जाता है कि आप सिक्स गियर में जो है कि इसे शिफ्ट कर दिए फॉर इकोनॉमिक ड्राइविंग। अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो अर्गोनॉमिक्स वाइज सारे बटन सारी चीज़ें जो भी इस केबिन में है सब रीच में है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो जो आपके ORVMs IRVMs हैं उनसे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, हालांकि मेरे हाइट के हिसाब से मुझे एक इशू जो IRVM में देखने में आ रहा है कि जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है उसके चलते विज़न ब्लॉक हो जा रहा है मेरे पीछे का जो है कहीं ना कहीं, और दूसरे साइड का भी ORVM अच्छी खासी विजिबिलिटी के साथ आ रहा है। सारे विंडोज़ अच्छे खासे बड़े हैं तो कहीं से भी जो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग होती है वो नहीं आने वाली है। बोनेट भी आपको दिखता है तो पार्किंग में ये सब चीज़ें करने में जो है कि बड़ा ही ईजली होने वाला है। सस्पेंशन ये बम्प्स पे जा रहे हैं अच्छी खासी स्पीड पे, फील नहीं हो रहा है तो काफ़ी प्लांटेड और काफ़ी अच्छा सस्पेंशन भी दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कुछ ऐसा ही था Hyundai Venue का व्यू रिव्यू जिसे हम कहते हैं प्रॉपर, वॉकराउंड में मैंने आपको बता दिया और वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। सिटी ओरिएंटेड कार है, आप सिटी में चलाओगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस देगी, हाईवे में भी ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अच्छे खासे लॉन्ग ट्रिप्स कर सकते हो। हालांकि पीछे के पैसेंजर्स के लिए उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप दो लोग हो या फिर दो बच्चे हैं पीछे की तरफ तो आपको ऐसा ये गाड़ी काफ़ी मज़ा देने वाली है मेरी तरफ से मैं कहने वाला हूँ। सिटी में कोई इशू नहीं होता है, कॉम्पैक्ट है, आराम से आप इसे मनूवर कर सकते हो। तो वीडियो में ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से देना है या फिर कोई सजेशंस देने हो तो वो भी, और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।